Hey, hi all, this is Ayushi and welcome back to my channel. So, आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है मीशो फेस्टिव साड़ी हॉल. Yes, आपका फेवरेट सारी ही साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड द बेस्ट थिंग इसकी ये सारी ही साड़ियाँ आपको आपके बजट में मिल जाती है. सो मैंने जो सारी साड़ियाँ पिक की हुई है ना वो फेस्टिव सीजन को देखते हुए पिक किया क्योंकि अभी करवा चौथ आ रहा है एंड नवरात्रि भी आने वाली है. पहले नवरात्रि आने वाली है देन दिवाली है. सो आप इसमें से अपने लिए बेस्ट साड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं. सो चलिए देखते हैं आज की हमारी फर्स्ट साड़ी जो की है ये वाली. बहुत ही प्यारी साड़ी है एंड इसका कलर उससे भी ज़्यादा प्यारा है. मुझे ये कलर पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. इसमें और भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल है बट ये कलर मेरे पास नहीं था. ये शायद वाइन कलर बोल सकते हैं इसे और डार्क पर्पल बोल सकते हैं. स्टार्ट कर लेते हैं इसके पल्लू से. सो ये इसका पल्लू है ऐसे. यहाँ से ये साड़ी स्टार्ट है एंड यहाँ पे इसके टॉप एंड बॉटम में सेम ऐसे आपको बॉर्डर मिल जाती है एंड ये जो बॉर्डर है ना ये जरी वाली बॉर्डर है. सो ये जो बॉर्डर है ना इस साड़ी को काफ़ी हैवी सा लुक दे रही है एंड इसके साथ साथ पूरी ही साड़ी में ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना ये भी जरी वाली लाइंस गई हुई है. एंड ये था इसके पल्लू का कुछ प्रिंट इस टाइप का है. देन आपकी यहाँ से साड़ी स्टार्ट हो जाती है एंड पूरी ही साड़ी में आपको ये ऐसे फ्लावर वाले प्रिंट मिल जाते हैं बीच में. आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है एंड इसका कलर तो माय गॉड. ब्लाउज है सो इसका जो ब्लाउज है ना उसमें भी ये ऊपर में बॉर्डर मिल जाती है. ऊपर एंड नीचे में सेम विड्थ की बॉर्डर है ऐसी ही जरी वाली एंड इसमें प्रिंट चेंज है. इसके ब्लाउज में आपको छोटे छोटे फ्लावर्स मिल जाते हैं बट ये जो जरी वाली जो लाइन है ना ये आपको ब्लाउज में भी मिल जाती है. तो इसका ब्लाउज भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है. इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है. मैं मेंशन कर दूंगी कि इसकी लेंथ एंड साड़ी की लेंथ, ब्लाउज एंड साड़ी दोनों की लेंथ मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे. काफ़ी सही लग रही है लेंथ. इससे आप लॉन्ग स्लीव्स का भी ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो है डोला सिल्क में फैब्रिक है. इस रेंज में ये साड़ी का फैब्रिक एंड लुक काफ़ी सही लग रहा है. सो आप ये परचेस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट साड़ी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है वो है ये वाली. ये है पैठनी साड़ी. रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में ये साड़ी है. इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस है. सो मैं ये साड़ी आपको ओपन करके दिखाती हूँ. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके ब्लाउज से. तो इसका ब्लाउज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. बॉर्डर इसकी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है. जरी वाली बॉर्डर दी हुई है. पैठनी साड़ी में ज़्यादातर आपको इस टाइप की बॉर्डर्स मिल जाती हैं एंड देन यहाँ पर आपको ना ये पिकॉक वाली डिज़ाइंस मिल जाते हैं. पैचेस बने हुए हैं छोटे छोटे ऑल ओवर पूरी साड़ी में. सेम चीज़ आपको ब्लाउज में भी दी हुई है एंड इसका जो ब्लाउज है ना उसका कलर थोड़ा सा मरून आएगा. ब्लैक एंड रेड को कंबाइन करके ये कुछ ऐसा कलर बन गया है इसके ब्लाउज का. इसका ब्लाउज का लेंथ जो है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. आई गेस 0.8 और 0.9 मीटर का होगा ये. देन यहाँ से ये साड़ी स्टार्ट हो जाती है. साड़ी रेड कलर में है एंड इसमें भी साड़ी में भी पूरे ऐसी छोटे छोटे ये पिकॉक वाले पैचेस दिए हुए हैं. ऊपर में सेम आपको ऐसी जरी वाली बॉर्डर मिल जाती है ऊपर और नीचे में. साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो आएगा सिल्क ब्लैंड का. इसका फैब्रिक है काफ़ी अच्छा है इसका फैब्रिक. एंड देन यहाँ पर ना इसका ये पल्लू है. जैसा ब्लाउज का कलर है ना वैसा ही इसके पल्लू में ऐसे कलर दिया हुआ है. एंड देन लास्ट में आपको ना ये ऐसे टेसल्स मिल जाते हैं थ्रेड वाले. यहाँ पे ये साड़ी ख़त्म हो जाती है. सो ये साड़ी ना रेड कलर में है. और भी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है. आप दूसरे कलर्स पे पिक कर सकते हैं बट ये ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हैं कि ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है. सो मैं ये साड़ी के लिए हाईली रिकमेंड करूँगी. आप चाहे तो इसे परचेस करें. सो जो नेक्स्ट साड़ी है हमारी वो है ये वाली. ये है बनारसी सिल्क साड़ी बट इसका जो फैब्रिक है वो मेंशन किया हुआ था सेटन सिल्क करके. बट फैब्रिक काफ़ी सही है. बहुत ज़्यादा प्यारा है. थोड़ा ना वेलवेट वाला जो लुक क्रिएट होता है ना साड़ियों के साथ वैसा कुछ इसका
फैब्रिक है। सो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये शेडो दे रहा है ऐसे ब्लैक एंड ब्लू में। ये है इसका एंड पार्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एंड ये साड़ी पूरी प्लेन है, पूरा फैब्रिक प्लेन दिया हुआ है, जस्ट आपको ये बॉर्डर मिल जाती है ऊपर एंड नीचे सेम। ये जो इसका कॉम्बिनेशन है ब्लू एंड रेड कलर में, साड़ी काफ़ी सॉफ्ट सी है, बहुत प्यारी है एंड काफ़ी हैवी है, पकड़ने में काफ़ी हैवी सी लग रही है। सो ये बनारसी साड़ी है एंड बनारसी साड़ी का वेट तो होता ही है। पूरी आपको ये ऐसी अंदर में प्लेन मिल जाती है एंड देन इसका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पल्लू। सो पल्लू ना पूरा भरा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ से ब्लू कलर ख़त्म होके देन यहाँ पे रेड वाला कंबाइन करता है ये, एंड पूरा ही पल्लू भरा हुआ है, पूरा जरी वर्क दिया हुआ है अंदर में जो थोड़ा हैवी सा लुक क्रिएट कर रहा है इसके साथ। देन यहाँ पर ये पल्लू ख़त्म होके यहाँ से ना इसका ब्लाउज स्टार्ट हो जाता है एंड इसका ब्लाउज की लेंथ काफ़ी दी हुई है, अराउंड 1 मीटर की होगी ये, यहाँ से स्टार्ट है एंड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, देख सकते हैं कितना बड़ा पीस दिया। तो ये जो साड़ी है ना इसे आप करवा चौथ के लिए पिक कर सकते हैं, सामने आंचल के साथ ये साड़ी काफ़ी सही लगने वाली है, ज्वेलरी एंड ऑल काफ़ी ग्रैंड सा लुक क्रिएट करने वाली है। सो ये साड़ी मैं हाई रिकमेंड करूँगी एंड फैब्रिक तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है इसका, वेटेड साड़ी है, काफ़ी सही है, फेस्टिव वाइब्स देती है ये साड़ी। सो आप इसे पिक कर सकते हैं। आज की सारी ही साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा, ये तो साड़ी बहुत ही प्यारी है, बहुत क्यूट सी है ये कॉटन ब्लैंड में साड़ी है, बट ये कॉटन जैसा ही है इसका फैब्रिक एंड ये आई थिंक आज का सबसे लोवेस्ट प्राइस साड़ी है एंड सबसे ज़्यादा क्यूट है। सो ये ना मैंने पिंक कलर में से पिक किया है एंड पिंक कलर लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देन ये जो साड़ी है ना ये ऑल ओवर ऐसी ही है, लाइक इसका ब्लाउज वाइट कलर में है। ये मेरे घर में कुछ पूजा थी तो मैंने उसके लिए परचेस की हुई थी, इसीलिए मैंने इसका ब्लाउज स्टिच करवा लिया है एंड मैंने इसका ना स्लीवलेस ब्लाउज स्टिच करवाया है। एंड आप ये दूसरी साड़ियों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लाउज पूरा ही प्लेन वाइट है। सो चलिए साड़ी देख लेते हैं। सो साड़ी जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट है एंड इसका ब्लाउज और पल्लू क्या, लाइक ब्लाउज तो वाइट है, इसमें पल्लू जैसा कोई चीज़ नहीं है, पूरी साड़ी ऐसी ही है, ऐसा ही प्रिंट बना हुआ है पूरी साड़ी में। ये कॉटन की साड़ी है एंड ना आपको पूरे साड़ी में आपको ये ऐसे प्रिंट मिल जाते हैं वाइट कलर के। सो साड़ी इस रेंज में काफ़ी सही है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं ये। अगर आप आपके ऑफिस में कोई फंक्शन है ये आप ट्राई कर सकते हैं। कॉटन साड़ियाँ तो वैसे भी काफ़ी प्रोफेशनल लगती है। ये है ये वाली ग्रीन कलर में, ग्रीन एंड कॉपर कलर में ये साड़ी है। ये साड़ी भी काफ़ी प्यारी है, मैंने ओपन कर लिया। ये है इसका ब्लाउज एंड इसके ब्लाउज जो है ना वो यहाँ पे आपको ये ऐसे बॉर्डर मिल जाता है आपके स्लीव्स के लिए और बैक पार्ट के लिए। इसमें ना इसकी बॉर्डर में ऐसे पिकॉक वाली डिज़ाइन दी हुई है, पिकॉक बने हुए हैं एंड ऊपर में इस टाइप के आपको डिज़ाइन मिल जाती है। इसका जो फैब्रिक है वो है सिल्क ब्लैंड, ऑब्वियसली इस प्राइस में आपको प्योर सिल्क तो नहीं मिल जाता। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे प्रिंट्स भी बने हुए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं आई थिंक ये साड़ी में तो नहीं है, जस्ट सिर्फ ब्लाउज में ऐसे दिए हुए हैं छोटे छोटे से, आई डोंट नो कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। देन ये साड़ी जो है ये जो अटैच करते हैं हम अंदर में, ये वाला जो पार्ट है ये प्लेन दिया हुआ है, नीचे में भी प्लेन है, देन यहाँ से आपकी ये साड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हाँ मैं इसकी बात कर रही थी कि जो साड़ी में ये जो से छोटे छोटे प्रिंट्स दिए हुए हैं ना, ये ब्लाउज में भी थोड़े समझ में आ रहे हैं, थोड़े ट्रांसपेरेंट से ग्रीन कलर में, यहाँ पे कॉपर कलर में ही दिए हुए हैं, इसलिए शायद ब्लाउज में वो समझ में नहीं आ रहा था उतने अच्छे से। सो ये जो साड़ी है, साड़ी में ऐसी बॉर्डर मिल जा रही है आपको, ऊपर में भी ऐसी ही है एंड नीचे में भी सेम ऐसी ही बॉर्डर दी हुई है एंड अंदर में ये आपको ऐसे छोटे छोटे प्रिंट मिल जाते हैं। बैक साइड से साड़ी कुछ ऐसी लगती है, ये जरी वाला वर्क है, सो निकलने का टेंशन नहीं है। देन ये जो साड़ी है ये ओवरऑल पूरी ऐसी ही है एंड देन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ब्लाउज मिल जाता है, सॉरी
आपको यहाँ पे पल्लू मिल जाता है ऐसे, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा जरी वर्क है एंड ये कॉपर कलर में है इसका पूरा ही पल्लू, जो इस साड़ी, ये साड़ी को काफ़ी सही सा लुक दे रहा है। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट की थी कि ये साड़ी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी आएगी, क्योंकि जैसा फ़ोटो में लग रहा था मीशो में जैसी साड़ी मेंशन की हुई है, सो मुझे ऐसा लग रहा था कि और थोड़ी अच्छी आएगी। एनीवेज प्राइस भी तो कम ही है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप चाहे तो ये साड़ी परचेस कर सकते हैं। सो ये थे आज के हमारे सारे ही साड़ी कलेक्शंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में।